जिन्होंने बैटमैन देखी है वे सब बात जानते हैं कि पेंगुइन के पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स या एबिलिटीज नहीं है, मगर फिर भी वो बैटमैन का सबसे आइकॉनिक विलन क्यों है। तो गुरु इसका सिंपल आंसर ये आता है कि किसी विलन को ग्रेट उसकी पावर्स नहीं बनाती, उसे ग्रेट उसका दिमाग बनाता है। और इसीलिए पेंगुइन बैटमैन के मोस्ट इंटेलिजेंट विलन में से एक आता है। कॉमिक हिस्ट्री उठाओगे तो उसका दिमाग रिडलर से लोग कंपेयर किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा माफिया बॉस भी बनना आसान नहीं है। पेंगुइन की मेन क्वालिटीज उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिंग है। वो ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन को अपने फेवर में डाल सकता है। और जिन्होंने मूवी देखी है वो सब जानते हैं कि आखिर में बंदा खेल गया। पेंगुइन एक ग्रेट लीडर और ऑर्गेनाइजर है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस है, और सम सॉर्ट ऑफ कैटवुमन की तरह इसका बर्ड्स के साथ साइकिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इलीगल काम करता है। किसी को ये बात हवा नहीं लगी, मगर पेंगुइन बेयर नकल बॉक्सिंग में प्रोफेशनल है, तो ऐसे ही तुम उसको नहीं उलाट सकते। और यहां तक कि एक पॉइंट पे बैटमैन ने भी कह दिया था कि ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपने ऑब्सेशंस का पीड़ित है, जिसकी वजह से वो मेरे से हर बार हार जाता है।